मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि एक बिल्डिंग में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिस पर आबकारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिद्धि विनायक हनुमान चौराहे के पास सौरभ सिवहरी के घर पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें 7 पेटी रॉयल सिलेक्ट विस्की एवं अवैध मदिरा निर्माण की खाली सामग्री, बारदाना, ढक्कन, बोतलों के बॉक्स मिले, जिसे जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपए बताई गई है। वहीं इसी कारोबार में शामिल 2 युवक शराब बेचने जा रहे थे, उन्हें भी आबकारी पुलिस ने धर दबोच लिया है। अधिकारियों का मानना है कि खाली बारदाना, महंगी ब्रांडेड कंपनी की शराब का मिलना, इसके साथ ही सस्ती शराब की पेटी भी मिली है। आशंका है कि इन महंगी बोतलों में सस्ती शराब भरकर इन्हें बेचा जा रहा होगा। फिलहाल दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि जनकगंज पे मेडिकल के से सिद्धि विनायक मेडिकल से अवैध शराब का विक्रय होता है, तो उस सूचना को हमने आबकारी विभाग को दी और आबकारी विभाग अपनी टीम के साथ वहाँ दबिश करने गई, तो आबकारी विभाग को वहाँ से काफ़ी मात्रा में शराब, खाली बोतल, रैपर और बारदाना मिला है, जो आबकारी विभाग जब्त करके आबकारी कार्यालय आई है और 2 मुलजिम भी लाई है और कार्रवाई कर रही है। उसमें ये कब से चला रहे थे अपने धंधा को? ये बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी लेकिन सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। आज जैसे ही मुखबिर के द्वारा सूचना मिली तो आबकारी को सूचना दी गई, इस पर आबकारी ने कायमी की। लगातार ठेकेदारों पर आरोप लगते हैं, आरोप लगते हैं। बिल्कुल, लगभग रोज पेपरों में आप पढ़ते होंगे कि जहरीली शराब से भिंड में, मुरैना में कितने लोग मारे गए हैं, मंदसौर में, और इसमें ठेकेदार बदनाम होता है कि आप सरकारी ठेकों की शराब से या ठेकेदार की बेचने शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं, उसमें ये अब सामने खुल के आ रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। आबकारी विभाग की कार्य खुश है? आबकारी विभाग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसमें अभी 2 लोगों को पकड़ के लाए हैं। क्या नाम है? इसमें नाम तो पता नहीं, वो जानकारी करके आबकारी आपको जानकारी पूरी दे देगी। ठीक। श्रीमान कलेक्टर महोदय और उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार, सहायक आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार हम लोग नई सड़क पर चेकिंग कर रहे थे, तो एक व्यक्ति हमें शराब बेचते हुए दिखा। शराब, उसको डाउट हुआ कि शराब हो सकती है, उसको पकड़ा। उसने अपना नाम अनुपम गुप्ता बताया। अनुपम गुप्ता से पूछताछ करने पर पता लगा कि मैं फला जगह से मांग विनायक मेडिकल का जो बिल्डिंग है उसके यहाँ से शराब लाता हूँ, तो उसके यहाँ मैं स्टाफ की तलाशी ली, तो तलाशी में काफ़ी सारा बारदाना, कुछ भरी बोतलें, इसकी काउंटिंग चल रही है कितना माल है, उसको हम देख के मेडिकल में जाकर हम चेक किया हो। मेडिकल स्टोर से नहीं पकड़ा ये, हमने ऊपर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर तो टावर लगा था, तो उसके नीचे एक रूम था, तो उसमें से पकड़ा। हाँ, भरी हुई बोतलें भी पकड़ी। अब ये काउंटिंग चल रही है, हम काउंटिंग करने के बाद हैं क्या 2 लोग पकड़े हैं उसमें। ब्रांडेड शराब की बोतलें, ब्रांडेड शराब की, लेकिन वो नकली शराब है, अवैध भरी हुई शराब। किस चीज़ से बनाते थे शराब और कब से चला रहे? अब ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमने आज ही पकड़ा है, पर उनके वो जो ये कह रहे हैं कि हमने 12-15 दिन पहले ये काम शुरू किया। क्या मानते हैं जनरल थाना बगल में, क्या उनको सूचना नहीं थी? अब ये क्या कह सकते हैं, ये जाँच में है कि जाँच का विषय, इसमें हम क्या कह सकते हैं?